आगामी 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 नवंबर से प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन बालाघाट विधानसभा सीट 111 से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अनुभा मुजारे ने प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को कड़ी टक्कर दी थी, जो लगभग 2,500 मतों से पराजित हुई थी। वहीं बीजेपी के द्वारा 177 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और अपनी जीत का दावा किया। भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं तू वैसी चौहान है, सॉरी भाव राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने समर्थकों के साथ 2 नवंबर को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अनुभा मुजारे के समर्थक नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग और मुख्य चौराहा से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां श्रीमती अनुभा मुजारे ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने विधिवत रूप से नामांकन फॉर्म दाखिल किया। इस दौरान उनके पति और पूर्व सांसद कंकर मुजारे, मुलतई के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीमती अनुभा मुजारे ने कहा कि वह मंत्री गौरीशंकर बिसेन की वादा खिलाफी और क्षेत्र की मूलभूत समस्या को लेकर जनता के बीच जाएंगी। मैंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्रमांक 111 से विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है जिला कलेक्टर के ऑफिस में। और मेरा ये मानना है कि बालाघाट जिले की जनता, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और उसके साथ ही साथ परिवर्तन भी चाहती है। और लगातार जो मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ और मैंने देखा है, तो जनता की एक ही आवाज़ है कि विकास के नाम पर हम वोट देंगे और परिवर्तन हमको करना है। यहाँ पर लगातार बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, वो यहाँ पर विधायक रहे हैं, 6 बार विधायक रहे, 2 बार वो सांसद रहे, लेकिन उनकी कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर जनता उनको फिर से 7वीं बार उनको चुने, उनको वोट दे। और जनता का भारी विरोध देखने में आ रहा है और इसके चलते मुझे लगता है कि जनता का समर्थन हमें मिलेगा।